खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 5 बज चुके हैं, यानी सीधा सवाल का वक्त हो गया है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बहस का ये वक्त है। क्या सरकार का सरकारी खजाने से अपना पैसा निकालना देश के लिए खतरा है? बहुत सीधा सवाल है। हमारे देश में अर्थशास्त्री एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मनमोहन सिंह। जब उनसे जनता के लिए पैसा मांगा जाता था या गया, तो उन्होंने क्या कहा? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। एक इस वक्त देश का प्रधानमंत्री है जो इस बात को एक सेंटेंस और आगे लेकर जाता दिखाई देता है, जो ये कहता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आरबीआई में मिलते हैं और इसीलिए सरकार वो पैसा ले रही है। अगर सरकार देश के सबसे बड़े बैंक से अपना ही पैसा लेती है तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? हम पूछ रहे हैं और जवाब देने के लिए मेहमानों को बुलाया है। देश के आम आदमी को यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार बैंक से पैसा नहीं लेगी तो फिर कहां से लेगी? कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जो आर्थिक आपदा देश पर थोपी है उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी भी ये कहते हैं आगे कि आरबीआई से पैसा लेना चोरी के समान है, साथ ही ये गोली से घायल आदमी के जख्म पर बैंडेड लगाने की तरह है, वो बैंडेड भी चोरी वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दलील बिल्कुल ना दे, और कांग्रेस तो कतई ना दे। ये फैसला देश की भलाई के लिए किया जा रहा है और इसीलिए आज सीधा सवाल इस मुद्दे पर, और वो सवाल जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं, कुछ पैटर्न हमने बहस का बदला है, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पता ही नहीं है कि वो अपने बनाए आर्थिक संकट से कैसे निपटे। आरबीआई से चोरी काम नहीं आने वाली, ठीक वैसे ही जैसे कि डिस्पेंसरी से बैंडेड चोरी करके गोली के जख्म पर लगाने से कोई ठीक नहीं होता। आज जनता के जहन में और दिल में एक ही प्रश्न है कि आरबीआई अब रॉटन बैंक ऑफ इंडिया बनने जा रहा है कि कल को इतने बुरे दिन आ जाएं तो सिर्फ जनता सरकार मालामाल और जनता की। यदि चोरी के विषय में कोई कांग्रेस के नेता बोले तो कहीं ना कहीं एक आश्चर्य की बात साबित होती है। जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड के 5,000 से ज्यादा करोड़ की जो संपत्ति को हड़पने का जो गांधी परिवार ने काम किया था, इससे भारत की अर्थव्यवस्था के गहरे संकट का पुष्टिकरण होता है और जैसा मैंने कहा वित्तीय संकट का भी। जिस विषय में उनको कोई ज्ञान ही नहीं है तो ऐसे विषय में ज्यादा ये हमें नसीहत देने की कष्ट न करे राहुल गांधी। अपना पैसा ले लिया तो दिक्कत क्या है? और इस पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए उनका तारुफ करवाओ। उससे पहले सीधा सवाल जिस पर आज मैं बहस करने वाली हूँ। पहला सवाल तो जहन में यही आता है कि सरकार के आरबीआई से पैसा लेना मुद्दा क्यों है? दूसरा सवाल ये कि सरकार जरूरत पड़ने पर क्या ज्यादा पैसा नहीं ले सकती है? तीसरा सवाल ये है कि आरबीआई से सरकार का पैसा लेना चोरी है क्या? चौथा सवाल ये है कि आरबीआई से पैसे लेने का मतलब सरकार दिवालिया है, आर्थिक संकट में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और पांचवा सवाल, आरबीआई में जमा जनता की गाढ़ी कमाई सरकार उड़ा रही है क्या? यही वो 5 सवाल हैं जिन पर आज मैं बहस करने वाली हूं। और जो हमारे साथ बहस करने के लिए मेहमान जुड़े हैं उनमें सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका। तहसीन पुनावाला इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जो कि वकील हैं पेशे से। विपिन मलिक साहब आपको नजर आ रहे हैं जो कि पूर्व निदेशक हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। स्वागत है सर आपका। और विजय सरदाना साहब अर्थशास्त्री है, एक्स रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, मैं फिर बता दूं आपको आरबीआई के। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, और मेरा सवाल ये है कि आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग आर्थिक संकट के दलदल में फंस गए हैं, आप दबाव आरबीआई पर बना रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं आप तो चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं आप आरबीआई पर। रूबिका जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि वो पार्टी जिसने की इस देश पर 56 साल सीधी हुकूमत की, और उस पार्टी के नेता जो मेरे ख्याल से 56 बार विदेश घूम के चले आए, वो आज इस आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज की डेट में भी विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? भारत। 8.2% भी हम थे और आज भी हम हैं। इस वैश्विक मंदी के दौर में भी हम सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सबसे हाईएस्ट हमारा इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा 72 सालों में। तो ऐसा नहीं कि स्थिति हमारी खराब है जिस प्रकार से वो करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आश्चर्य की बात ये, अरे भाई, सरकार ने अब आरबीआई से अपने अकाउंट में पैसा लिया। पहली बात तो जो सरप्लस पैसा है, जो कि करीब 52,000 करोड़ रुपए था, सरप्लस तो हर साल ट्रांसफर होता है। इस साल जो रिस्क रिजर्व का जो क्राइटेरिया था, वो मिनिमम क्राइटेरिया रखते हुए सरकार ने पैसा लिया है, जो 1,23,000 करोड़। अच्छा सुधांशु जी, एक सेकंड, वो लोग कह रहे हैं सरकारी खजाने से, आप ये कह रहे हैं सरप्लस, तो ये जो आरबीआई की लक्ष्य से ज्यादा कमाई ट्रांसफर की जाती थी या सरप्लस दिया जाता था सरकार को, उसके आंकड़े मेरे पास है और हम दर्शकों को बता भी रहे हैं। 2012-13 में 33,000 करोड़ था, 13-14 में 52,000 कुछ करोड़, 14-15 में 65,000 करोड़, फिर 15-16 में 65,876 करोड़, 16-17 में 30,000 करोड़ और 17-18 में 50,000 करोड़। इस बार तो रकम मिल रही है 1,76,051 करोड़, 4 times ज्यादा। सर क्यों इतना पैसा आपको क्यों चाहिए? नहीं नहीं रूबिका जी, मैं आपने मेरी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसमें 52,000 करोड़ रुपया सरप्लस का है और शेष 1,23,000 करोड़ रुपए जो रिस्क इक्विटी होती है, जिसकी लिमिट 20% से लेके 24.5% तक है, यानी जो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कमेटी के द्वारा न्यूनतम 20% रहनी चाहिए, वो 20% पर रखकर जो 1.5-2% एक्स्ट्रा था, उससे 1.23 लाख करोड़ रुपया आया है। तो इसमें दो हिस्से, एक हिस्सा तो वो है जो हमेशा आता रहता था, तो वो तो एक हिस्सा हो गया। दूसरा ये है जो रिस्क की मिनिमम लिमिट के अंतर्गत रहते हुए हमने निकाला है। हाँ, तो वही एक तो तकनीकी बात है कि 6 लोगों की कमेटी थी जिसमें सरकार का सिर्फ एक प्रतिनिधि था, वो थे वित्त सचिव, बाकी सभी आरबीआई के वर्तमान। विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे एक बात लगती है, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं। नहीं नहीं, एक मिनट में एक बात कह दूं रूबिका जी। रूबिका जी, एक बात मैं कह दूं, इसमें जो चोरी की बात करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, जिन्होंने उठा के अपने अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर कर लिए, विदेशों में अपनी अपनी अकाउंटों में कर दिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, भारत में जितने क्रिकेट स्टेडियम हैं पिछले कुछ सालों में बने हुए, किसी में भी 100 करोड़ की भी लागत नहीं आई, 85 या 90 करोड़। और आपको पता है कॉमनवेल्थ में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की रख रखाव का बिल कितना था? 930 करोड़। तो ये होती है चोरी, तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, क्यों तहसीन पुना? सारी जिंदगी जनता की कमाई किसने उड़ाई? इस हुकूमत में मोदी जी यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे है और वो आईना साफ करते रहे। अब मैं आंकड़ों के साथ सुधांशु जी का जो कहा उसको मैं एक्सपोज करता हूं। सुधांशु जी का पहला आरोप था कि आज हमारा मुल्क देश का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। ये बात में कोई सच्चाई नहीं, इनफैक्ट बांग्लादेश भी हमें ओवरटेक कर चुका है। इसीलिए निर्मला सीतारमन जी, आप एबीपी ने भी से कवर किया, वो प्रेशर की, ये जो क्वार्टर का हमारा जीडीपी आंकड़े आएंगे। आप दोनों डिबेट करेंगे। बड़ी अर्थव्यवस्था का
हाँ। सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था। अच्छा, इस क्वार्टर का जो नंबर है वो 5.8% से कम हो गए, पिछले क्वार्टर के 5.8% है, इसीलिए ये इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्मला सीतारमण जी को करना पड़ा। जो रूल्स उन्होंने खुद अपने बजट में बनाए उस पे उन्होंने रोल बैक किया, ये तो पहली बार 70 साल में नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। दूसरी बात सर, बजट को डी बजट कर दिया। दूसरी बात, हमारी अर्थव्यवस्था गिरने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में आ नहीं रहे। इन्वेस्टर्स एक मुल्क में तब आते हैं जब वे दो बैलेंस शीट देखते हैं, एक तो सरकार की बैलेंस शीट, हुकूमत की बैलेंस शीट, दूसरी आरबीआई सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट। ठीक है, हमारी आरबीआई की बैलेंस शीट को आप लूट रहे हो। अब मैं तीसरी बात और उदाहरण के साथ देता हूं, जिन मुल्कों ने, उदाहरण के साथ देता हूं, उनकी हुकूमतों ने सेंट्रल बैंक पर प्रेशर डाला, चाहे वो जिम्बाब्वे है, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, आज उनकी अर्थव्यवस्था देख लीजिए, वो खत्म हो जाते। नोटबंदी के समय आपने बिना आरबीआई की इजाजत आपने नोटबंदी की, आपने उसका नतीजा आज भुगत रहे हो। आज दोबारा आप ही कर रहे हो, जिस कमेटी का आप लाइन गिना रहे हो, जलान कमेटी, उसका लास्ट लाइन वो क्या कहता है इसे, वो कहता है कि इन एनी केस द, वो कहता है कि दीज डेट्स can not be taken from the government arbitrarily. वो कमेटी की वो लाइन आप क्यों नहीं पढ़ते हो? और आर्बिट्री का मतलब मैं आपको समझाते अपनी बात खत्म करता हूं। आज तक आपने 30,000 करोड़ से लेके 65,000 करोड़, मैडम आपने आंकड़े दिए उतने लिए, आज ऐसा क्या हो गया कि जहां पर आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, okay. आप आपके एसेट्स बेच के okay. ले रहे हो। ओके, हमारे साथ आरबीआई के एक्स डायरेक्टर भी मौजूद है, सुधांशु जी इस पर आप जवाब दें। उससे पहले मैं डायरेक्टर साहब का रुख करना चाहती हूं और उनसे इस पूरे मसले पर बहुत सरल तरीके से टिप्पणी चाहती हूं। मलिक साहब, ये जो अभी तहसीन कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हो गई है देश में, आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर इकोनॉमी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी क्योंकि आरबीआई पर आप दबाव बना रहे हैं। सर प्लीज मेक द कंट्री अंडरस्टैंड, मुझे बस एक चीज समझ में आ रही है। अच्छा, विपिन मलिक साहब को सुनाई नहीं दे रहा है अभी अभी, शायद उनको संपर्क करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। विजय सरदाना जी, क्या क्या आपत्ति क्या है भाई? एक संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक, वो देश चलाने के लिए है, देश में मुद्रा को सही तरीके से चला जाए उसके लिए है, उस मुद्रा की जरूरत किसी और को नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की जनता के लिए है। अब वो पैसा ले लिया है तो क्या परेशानी है, अपना ही पैसा तो लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक इसको बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूंगा कि आपका परिवार है, हाँ? आपके परिवार में एक इनकम सोर्स है और एक पुश्तैनी सोना रखा हुआ है। आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको मौज मस्ती करनी है, तो आप क्या करेंगे? अपनी इनकम बढ़ाएंगे या घर में रखा हुआ सोना बेचेंगे, उससे कमाई करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, टूर पे जाएंगे, क्या करेंगे उससे? ये सिर्फ उतना सही फर्क है कि आपका जो फिस्कल प्रूडेंस है, आपके पास 137 करोड़ की मार्केट है, ठीक है, इतना बड़ा बाजार है, हम टैक्स रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर पाए? हम क्यों नहीं अपने देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतना बढ़ा पाए कि हमारी जो जरूरतें हैं वो टैक्स से और बाकी जो हमारी इनकम होती है उससे पूरी हो जाए? हमें क्यों अपने रिजर्व्स पे हाथ डालना पड़ रहा है? चिंता की बात ये है। सुधांशु जी, अब इसका जवाब दीजिए बहुत आसान शब्दों में, क्यों आप एक इनकम सोर्स अपने लिए जनरेट नहीं कर पाए? क्यों घर का वो सोना बेचना पड़ रहा है या उस बुजुर्ग से पैसे मांगने पड़ रहे हैं जिसने इमरजेंसी के वक्त के लिए उन पैसों को रखा हुआ है? देखिए, अब बिल्कुल आपने सही कहा, जो इमरजेंसी के वक्त की होती है। आज की स्थिति आप अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक दोनों देखिए। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट क्या है? 3.6% वैश्विक ग्रोथ रेट। चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर है उस कारण से पूरे एक वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर इस समय चल रहा है, पूरी दुनिया में उसका प्रभाव है, यूरोप से लेके, अमेरिका से लेके और एशिया तक। आंतरिक रूप से आप देखें तो हमारी सरकार ने जो बड़े टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, जो बड़े चेंजेस लाए हैं, चाहे वो एनसीएलटी एक्ट हो, इंसॉल्वेंसी एक्ट हो या बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट हो, रेरा हो, उन सब कारणों से अर्थव्यवस्था भी एक नए सिरे से रीऑर्गेनाइज होने की प्रक्रिया में है। तो इसका मतलब ये है कि कारण की वजह से ये स्थिति आई। तो जो विपक्ष से आपसे सरकार पूछ, एक मिनट रुकिए, मैं एक चीज याद दिला दूं, तो बस उसमें ऐड कर दीजिए, आप मुझे सवाल पूछ लीजिए। चोरी छुपे क्या होता है? हाँ, यही सरकार से सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप लोग एक तो चोरी कर रहे हैं और दूसरा ये कि आप बता दीजिए ना कि देश इस वक्त संकट में है। अगर संकट में नहीं है तो इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? इतना पैसा ले रहे हैं
तो इसका मतलब संकट है। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G का घोटाला हो जाए, और यह फिगर हमने नहीं कही, कोर्ट ने कही थी, तो साहब वो तो बिल्कुल सामान्य सी बात थी। अगर 1,23,000 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए रिजर्व बैंक से जो निर्धारित सीमा के अंदर है, तो वह समस्या और चोरी हो गई। और मैं अपने मित्र तहसीन जी से पूछना चाहता हूं, ये बताइए, जब सोना गिरवी रखा गया था रात के अंधेरे में और एयरपोर्ट पे बगैर चेकिंग के वो भेजी गई थी लंदन के सेंट्रल बैंक में सोना रखने के लिए, किसकी सरकार थी उस समय देश में? अच्छा। चोरी वो थी कि देश को पता ना लगने पाए और सोना जाए, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, राजीव गांधी के समर्थन से चल रही थी। ये बताइए वो कौन सा दौर था जब चीन ने हमको सरपास किया 1973-74, तब तक हम चीन से बड़ी बेहतर गति की अर्थव्यवस्था थे। किसकी सरकार थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार। और उसी के बाद 2% हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात आई थी, रुपए का डिवेल्युएशन 1992 में हुआ, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उससे पहले डिवेल्युएशन क्या हुआ, कब हुआ भारत के इतिहास में, किसकी सरकार थी? बिल्कुल, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं ना, ये कब हुआ बताइए ना। और हमने तो जब आने के बाद वो दौर फेस किए हैं कि जब हमारे ऊपर आर्थिक सैंक्शंस लगे, देने का मौका दीजिए, तब किसकी सरकार थी? अटल जी, अब सारे सवालों का जवाब दे देता हूं, उसके बाद भी हम सेकंड स्टेज रिफॉर्म लेके जी। सुधांशु जी, अब सारे सवालों का जवाब बता दिया, बता दीजिएगा चोरी किसे क्या कहते हैं और आर्थिक संकट। बिल्कुल, जब चंद्रशेखर जी इस मुल्क के वजीर आजम थे, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर आपको तो याद होगा पंडित जी, यशवंत सिन्हा साहब थे, वही आपके शब्दों में जिन्होंने चोरी की उसको फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, यशवंत सिन्हा जी। इतिहास, अब मैं आता हूं, आज हमारा फिस्कल डेफिसिट, आपकी हुकूमत हमारी हुकूमत कहती है 3.2% है, आज इन आंकड़ों पर कोई भरोसा नहीं करता, हमारा फिस्कल डेफिसिट 8-9% है अगर हम पीएसी को गिन ले। आपने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की, बिल्कुल आपने टैक्स रिफॉर्म ने टैक्स रिफॉर्म किया है, इसकी वजह से एक भी टैक्स टारगेट इस हुकूमत मीट नहीं कर पाती, मनमोहन सिंह ने उसको सरपेस किया। और एनसीएलटी एक्ट की आपने बात की, अरे 9,00,000 करोड़ का बैड डेट्स तो आपकी हुकूमत में हो गया है, वो 9,00,000 करोड़ में से अब तक आपने सिर्फ 70,000 करोड़ साहब रिकवर किया है, तो जब 9,00,000 करोड़ का आप खुद कहते हो साहब कि बैड डेट्स है, आरबीआई कहती है ये 1,70,000 करोड़ मेरे घर का सोना आप क्यों लूट रहे हो, इसका जवाब दीजिए, और बजट में 1,70,000 करोड़ का प्रावधान क्यों नहीं किया, इसका भी जवाब दीजिए। विपिन मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए, फॉर्मर डायरेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। विपिन मलिक साहब, इस देश की जनता को प्लीज आप समझाइए, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि आपको जख्म है गोली का और सरकार चुराई हुई बैंडेड उस पर लगा रही है, यानी आरबीआई से जो पैसा लिया जा रहा है वो बैंडेड जितना है, उससे वो जख्म भी नहीं भरेगा और वो चोरी भी है, राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स है सर ये। देखिए रविका जी, मेरा ख्याल है कि जो पहले प्रवक्ता थे, मैं उनका नाम तो नहीं पता, वो गोल्ड से लिंक कर रहे थे उस टाइम, वो उस टाइम जो सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी कराया गया था, उस टाइम हमारी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बहुत खराब थी, जिसकी वजह से और हमारे पास नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो फॉरेन एक्सचेंज की लाइबिलिटीज थी वो पे करने के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उस टाइम राइटली वो सोना गया और हमने अपने आप को डिफॉल्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात है हमने डिफॉल्ट नहीं किया। आज वो सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई है, आज हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 30,00,000 करोड़ के करीब है, समझे, $400 बिलियन। तो 400 अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है। उसके अलावा हमारे पास रिजर्व बैंक में 10,30,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। ये काय के लिए रखा गया है? बैंकों में बैलेंस रखने के लिए, यू सी 10,29,000 या 30,000। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। ये जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व बैंक का रिजर्व है ये काय के लिए रखा गया है? या तो बैंक कैपिटलाइजेशन के लिए रखा गया है, या जो आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है उसको किसी न किसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूमिंग के लिए किया गया है। ठीक है, उसके लिए अगर बैंकिंग रिलेशनशिप रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट का क्या रिश्ता है, एक क्लाइंट का, गवर्नमेंट क्लाइंट है और रिजर्व बैंक
बैंक है उनका, ठीक है। कहां से अर्निंग आती है रिजर्व बैंक को? रिजर्व बैंक को दो तरह से, दो जगह से अर्निंग आती है। एक है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है, जैसे इस साल 6 लाख 5.5 लाख के सिक्योरिटीज बेची, तो उसकी जो इनकम आई स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज बेची उसकी इनकम आई वो रिजर्व बैंक के पास आई। है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा। दूसरा करेंसी प्रिंट किया उसका रिजर्व आया, तो ये सारा एक्यूमुलेट होता 10 लाख करोड़ आ गया है। अब अगर गवर्नमेंट ने पिछली हफ्ते जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 70,000 करोड़ हम बैंक का कैपिटलाइजेशन करेंगे, वो 70,000 करोड़ वो एक दो तरीके से कर सकते थे कि या तो रिजर्व बैंक को कहते कि आप कैपिटलाइजेशन करिए, जो कि परमिटेड नहीं होता क्योंकि रिजर्व बैंक बैंकों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसका तरीका ये होता है कि आप हमें रिजर्व दे दीजिए अपने, जो कि रिजर्व नहीं है, वो हमारा ही डिविडेंड है, ठीक है। 28,000 करोड़ हम डिविडेंड ले चुके हैं इंटरिम, तो विपिन मलिक साहब वही बात है ना सर, मैं जो ये सवाल कर रही हूँ कि अपना पैसा ले लिया तो दिक्कत क्या है? बहुत सारे लोग आ गए ट्विटर पर, कूदने की कोशिश की जा रही है, सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है, भक्ति तक इसमें डाल दी गई है। अरे भाई विपिन जी मुझे ये बताइए, इस सवाल में गलत क्या है? अपना पैसा आप ही बता रहे हैं, आप तो डायरेक्टर रहे हैं, आपने तो उन सारी चीजों को प्रोसेस को बहुत अच्छे से देखा है। क्या ये सरकार का अपना पैसा नहीं है? और क्या ये पैसा आरबीआई से लेना, आरबीआई पर डाका डालना है, सिस्टम के अंदर छेद कर देना है? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इंटरिम डिविडेंड 28,000 करोड़ जा चुका है, 1,43,000 करोड़ का हर साल डिविडेंड देता है, दिया इस साल का दिया है। पिछले साल रिजर्व बैंक का जो प्रॉफिट था वो 60,000 करोड़ था, 60,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ दिया। विजय सरदारा जी बताइए, इसी तरह हर साल डिविडेंड दिया जाता है? हाँ, विपिन जी समझ में आ गया, बताइए। अब ये डिविडेंड जो है वो बढ़ा के, हाँ जी बताइए विपिन जी, बहुत सही बात आपने कही कि आफ्टर ऑल इस पैसे का कुछ तो यूज होगा, देश का पैसा है जो आरबीआई ने अर्न किया है, बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन भी जरूरी है, किसी को एतराज नहीं है अगर देश का पैसा सही ढंग से इस्तेमाल होता है, यह देश की पूंजी है और प्रोडक्टिव यूज में लगनी भी चाहिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम कहां आता है, हम जब बार बार बैंकों की हालत ये देखते हैं कि जितना भी इस देश का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको जब आप इन द नेम ऑफ फ्रीबीज फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए जब आप बांटने लगते हैं, उसका जब प्रोडक्टिव यूज नहीं होता है, आप लोन माफी की बात हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे जिसके कारण बैंकों पे स्ट्रेस आ जाता है, फिर हम बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन करने की बात करते हैं क्योंकि उनकी माली हालत खराब होती जा रही है। सुधांशु जी, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो हम पैसा ले रहे हैं 1,76,000 करोड़, इस बात की क्या गारंटी है कि ये डिसीजन पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ना होके इकोनॉमिक कंसिडरेशन से होगा और देश के हित में लगेगा, बस ये भरोसा अगर सरकार दे दे तो किसी को इतराज लग रहा है। क्या ये पैसा रेवड़ियां बांटने में लग रहा है और उसका जो बोझ है वो अतिरिक्त तौर पर सरकार पर आ रहा है, वो जब पूरा नहीं कर पा रही है तो वो आरबीआई। एक सुभाष अजमेरा है जो अपना कार्यक्रम देख रहे हैं सर, और वो ये लिख रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था का करके बंटाधार, रिजर्व बैंक के द्वार पहुंची मोदी सरकार। देखिए मैं एक बात पहले तो ये जवाब देना चाहूंगा, देखिए सरदाना साहब और मलिक साहब दोनों बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं, हम लोग तो उतने आर्थिक के जानकार नहीं है। जो लोग बंटाधार कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मंदी, रिसेशन की क्या परिभाषा होती है? रिसेशन किसी के कल्पना की इमेज नहीं हो सकती, इसकी डिफाइंड डेफिनेशन है, यानी एक स्थापित परिभाषा है, वो ये है कि यदि नकारात्मक विकास दर हो जाए, यानी विकास की बजाय निगेटिव हो जाए और वो 2 तिमाही तक रहे, यानी लगातार 2 क्वार्टर निगेटिव ग्रोथ रेट रहे, तब फिर उसको रिसेशन कहा जाता है। तो भाई ये बताइए, यहां ग्रोथ रेट में कमी को रिसेशन, बंटाधार और मंदी कहना, तो मुझे लगता है आर्थिक विषय की कम समझ अथवा पूर्वाग्रह इस आधार पर कहा जा सकता है। हाँ, एक बात सरदाना साहब ने बड़ी वाजिब कही कि लोन माफी की बात, यह बात सही है कि जब आप लोन माफी करते हैं तो समाज के उन वर्गों को ध्यान में रखकर जो किसी कारणवश रह गए, परंतु क्या लोन माफी की जो प्रक्रिया है यह कोई स्थायी समाधान है? नहीं, इसीलिए हमारी सरकार ने आने के बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का प्रयास किया। याद करिए, मनरेगा होता था पिछली सरकार में तो एसेट क्रिएशन के साथ कोई लिंक ही नहीं था, पूरा का पूरा पैसा जा रहा है
और उसमें उस समय आधार कार्ड का भी मामला नहीं था, तो उसमें भारी संख्या में तो जा रहा था नंबर दो का पैसा रिश्वत के रूप में। अब हमने एसेट क्रिएशन से जोड़ा, तो बात सही है कि इस प्रकार के फ्रीबीज किसने शुरुआत किया और कौन लोग हैं जो कहते हैं साहब पूरी की पूरी मेट्रोयम फ्री कर देंगे। तो मेरे विचार से सभी राजनीतिक दलों को यह भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आप किस सीमा तक जाकर आर्थिक पक्ष पर राजनीति कर सकते हैं। हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरीके से गंभीर रही है। एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा जो हमारे मित्र तहसीन जी ने कहा था, चंद्रशेखर जी की सरकार को जवाब देना दीजिए, पहले तहसीन को सुधांशु जी जवाब देने दीजिए, एक बात मैं राजनीतिक भी जवाब दे दूं। हाँ नहीं, तहसीन ने एक बात कही थी उस पर भी बोल दूं। उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी की सरकार में यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे जो बाद में बने। अरे मित्र तहसीन जी, आप राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, चंद्रशेखर सरकार कितने दिन रही? 4 महीना। मतलब 4 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। अरे आप ये तो वो स्थिति हो गई। संस्कृत में एक कहावत होती है जिसे कहते हैं काकतालीय न्याय, यानी कि पूरे पेड़ की डाल खोखली हो गई थी, अचानक एक पक्षी आके बैठा, अरे आपने कहा देखो पक्षी के बोझ से पूरी की पूरा पेड़ टूट गया। तो ये इस प्रकार का तर्क जो है वो हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा देना उचित नहीं बल्कि हास्यास्पद। सुधांशु जी, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, यशवंत सिन्हा साहब और चंद्रशेखर साहब का उदाहरण मैंने नहीं, क्योंकि आपने कहा थे उस वक्त ये गलत काम हुआ, जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर है उन्होंने भी क्या कहा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया कि आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहरहाल मैं उस डिबेट में नहीं गिरना चाहता हूं। मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि रिसेशन की परिभाषा है अगर टारगेट्स नेगेटिव हो। पिछले 2 टारगेट्स आपके टैक्स रेवेन्यू के इंक्लूडिंग जीएसटी के नेगेटिव हुए, आपके जो टारगेट्स थे वो मीट नहीं हुए हैं साहब। ऑटो सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर ग्रोथ ये सारे गिर रहे, इसलिए निर्मला सीतारमन जी जो अनाउंसमेंट वो बजट में करती है वो आके उसे डी बजट कर देती है। कौन सा एक संवैधानिक प्रावधान है इसकी किसी को कल्पना नहीं, लेकिन ये हो रहा है इस मुल्क में। लेकिन मुझे एक अहम बात करनी है। देखिए इस वक्त हमारा जो करंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है आरबीआई का, एक सेकंड, ये इस वक्त पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब जो 1997 की आरबीआई की रिपोर्ट है जो कहती है कि आरबीआई का बैलेंस मिनिमम 12% होना चाहिए, इस वक्त हमारे आरबीआई का बैलेंस 7% है। दूसरी बात, ये जो गोल्ड का आप जो गोल्ड के दाम बढ़ गए इसकी वजह से आप ये एक्सेस मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। हर एक एक्सपर्ट मुल्क में इस दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट से वो कहते हैं ये एक समय पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, रियलाइजेशन नहीं हो सकता। उसके बावजूद आप कर रहे हैं, आप वही मुझे ये बताइए आप क्या चाहते, क्या तरीका था यहाँ पर? अगर बैंकों को पैसा देना है सरकार को अतिरिक्त रूप में, आप क्या चाहते, कहाँ से उधार ले? तहसीन पूनावाला से उधार ले सरकार? बिल्कुल नहीं। आप मोदी सरकार किससे उधार ले? आरबीआई से लेगी ना? दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं सरदाना साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। ये पब्लिक डोमेन में इसका पॉलिसी हो, ये कहाँ से पैसा था? कंटिजेंसी फंड 7% है या 12%? आज 7% है हमारा कंटिजेंसी फंड। आप उसमें से पैसे ले रहे हो, आप घर का सोना बेचते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या किया? आई एम नॉट अ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत आसान शब्दों में सवाल पूछना है और उसी आसान शब्दों में मुझे आप जवाब दे दीजिए। मुझे बस ये बताइए सरकार को अभी पैसे की जरूरत है, वो कहां से पैसा लेकर आए? हाँ, वो कहां से पैसा लेकर आए? तहसीन पुनावाला से मांगे, विजय सरदाना से मांगे, तहसीन पुनावाला से मांगे, सरदाना से मांगे, किससे मांगे? रूबिका लियाकत से मांगे। ऐसे अपॉर्चुनिटीज किससे मांगे पैसे? मैम सुनिए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनाए जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए, जिससे मुल्क में डेवलपमेंट हो। आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया और आपने सिर्फ जो सोना है उसको आप बेच रहे हो। विपिन मलिक साहब जी, देखिए साहब, सरकार के पास पैसा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है। yes. लेकिन मार्केट की सिचुएशन इतनी खराब है, नॉट इंडिया बल वर्ल्ड वाइड में मार्केट बहुत बहुत बुरा हाल है। आप इंग्लैंड चले जाइए, यूएसए चले जाइए, सबकी मार्केट्स जो एडवांस कंट्री हैं, आप डेवलपिंग कंट्री, अब तो हम डेवलपिंग कंट्री नहीं रहे, हम तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी सेज के डेवलप्ड कंट्री हो गए। तो हमारी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर के अलावा एसएमई एमएसएमई के पास फंडिंग नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बैंकिंग सेक्टर उनको लैंड करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ चुके हैं। उसके लिए अगर बैंक अगर उसके लिए सत्तर हजार करोड़ कैपिटल एडिक्वेसी के लिए बैंकों को दिया है,
70,000 करोड़ दिया है तो इसीलिए दिया है ना कि बैंकिंग सेक्टर की कैपिटल एडुकेसी बढ़े और वो आगे लैंड करें। पहली बार ये कई सालों बाद, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, कई सालों बाद पहली बार हुआ है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो अगर 5% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.3% है। अदरवाइज क्या होता था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का होता था डिपॉजिटर के लिए वो इन्फ्लेशन से भी कम होता था। पहली बार डिपॉजिटर को पैसा इन्फ्लेशन से 2% ज्यादा मिल रहा है, पहली बार हुआ है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ आ रही है। तो डिपॉजिटर को पैसा मिल रहा है और अब हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक कैपिटल जितना हमें चाहिए, इकोनॉमिक कैपिटल जितना हमें चाहिए, उसके अलावा जो भी बैलेंस बचता है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। रिजर्व बैंक ने क्या करना है ये पैसा? काहे के लिए रिजर्व बैंक बना हुआ है? मलिक साहब दो लाइन, मतलब रिजर्व बैंक ने अपने बैंक बैलेंस रखने दो लाइन आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दो। आपने कहा यूएसए में रिसेशन है, नहीं साहब, यूएसए 2.5% से ग्रो रहा है, वो ऑलमोस्ट $20 trillion इकोनॉमी है और ये दूसरे क्वार्टर वो इतना बढ़ रहा है, ये इनफैक्ट यूएसए में बूम है सर, ये फैक्चुअल चेक फैक्ट चेक है। दूसरी बात सर, मैं आपसे सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, एक्सेप्ट उन्होंने क्या किया है? सर एक प्लीज लेट मी फिनिश। ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस हमारे मुल्क में आया, ये आया जब आपके आरबीआई को उसके इजाजत के बावजूद आपने डीमोनेटाइजेशन किया और मनमोहन सिंह साहब ने कहा इससे आपकी जीडीपी घटेगी, आपको लिक्विडिटी क्राइसिस आएगा। इसके बावजूद आपने एक इलीगल एक्ट किया साहब, ये इलीगल एक्ट की वजह से हुआ है। और वही तो हम बात कर रहे हैं विपिन साहब और सुधांशु जी, जवाब। डीमोनेटाइजेशन एक सेपरेट सब्जेक्ट है, सेपरेट सब्जेक्ट नहीं साहब, उसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस आया, वो आरबीआई की ऑटोनॉमी, उसका इफेक्ट आया है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। मैं उसमें बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, डिमोनेटाइजेशन वो जो है उसका भी इफेक्ट है, लेकिन उस इफेक्ट को अब ये इफेक्ट ही रहने दें, आफ्टर ऑल ये रिकैपिटलाइजेशन करने के बाद लेंडिंग शुरू हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। त्रिवेदी जी, हैंस प्रूवन कि आपने डिमोनेटाइजेशन किया, आपको लगा था कि अरे बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर हो जाएगी, हमने जो सोचा है वो हो जाएगा, वो हुआ नहीं, इनफैक्ट आप लोग और परेशानी में घिर गए। अब उस परेशानी को जो आपने क्रिएट की थी उसे खत्म करने के लिए आप आरबीआई से पैसा ले रहे हैं। देखिए ये बात सही है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब हमारे वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये एक बड़ा निर्णय है, और उसी के समय हमने जीएसटी भी किया था, दोनों एक साथ हुआ था, मुश्किल से 7 या 8 महीने के अंतराल पे। तो उन्होंने कहा था ये एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और इसकी वजह से कुछ क्वार्टर्स में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहेगा, कुछ क्वार्टर्स नीचे आए और उसके बाद एक साल के बाद वह स्थिति बेहतर हो गई। परंतु इनको यदि यह लगता है कि केवल डिमोनेटाइजेशन की वजह से अभी तक हुआ, तो मुझे तो कांग्रेस का समझ में नहीं आता। आप अपनी बात रखिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ यहां पर आप उसे एग्री नहीं करते हैं, 2016 से 2019 तक प्रभाव है, नहीं मैं कह रहा हूं 2016 में हुआ और उनका मानना है कि सारी समस्या 2019 में इस वजह से आई। और सुनिए इतना ही नहीं, ये तो इतना बढ़िया तर्क देते थे कि भारत जब आईटी सुपर पावर बना तो 1998-2000 में, तो कहते हो राजीव गांधी जी के जमाने में शुरू हुआ था 87-88 में, यानी अच्छा हो तो 12 साल पहले आपने किया था तो भी वो, और अगर आपको समस्या नजर आए तो आप 4 साल पुरानी चीज में भी समस्या ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड सुधांशु जी, रोक रही हूं, निर्मला सीतारमण शायद इसी पर अपनी कोई बात रख रही हैं, मैं सीधा वहां पर जाना चाहती हूं, मैं सीधा उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना चाह रही हूं। सिमिलरली वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर कीननेस टू सर्व द कॉज ऑफ फार्मर्स सो दैट एवरीवन कैरीज ऑन विद देयर business which essentially creates jobs which creates wealth for the country, and therefore it was important that the tax administrators facilitated them, it was important that tax administrators do their job of tax collection, enforcement of tax rules, but necessarily understanding business and going with them, facilitating them. So, in order that we communicated this to all our tax authorities, we have undertaken this trip from
mostly in the tier 2 cities, not metropolitan towns. So there, in the process of meeting with the tax administrators, the revenue secretary, the CBIC chairman, and also the CBDT chairperson accompanies me, the principal commissioners in that area, the chief commissioner of GST and customs, the principal commissioners of income tax also come in, but the entire tax administrators are invited to have this interaction. So that is what happened today. After that, we have interacted also with the associations, trade bodies, trade associations. प्रत्यक्ष कर पर लिए गए कुछ फैसलों को लेकर अभी अपनी बात रख रही थी सरदाना साहब, आप जरा मुझे ये बताइए, जो अभी सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं कि दिक्कत बहुत पहले से आ रही थी, ये अचानक 2014 में क्रिएट हुई और आप 2019 में हम चाहते हैं कि उसी को खत्म कर ले, इस वजह से पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये बैकलॉग है जो बहुत पहले से आ रहा है, अब उसको कहीं तो खत्म करना होगा। नहीं, ये बात तो देखिए सुधांशु जी की एक बात से मैं सहमत हूं, और अच्छी बात है कि सरकार इस बात को मानती है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद लिक्विडिटी क्राइसिस आया। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि अब आप 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई से ले रहे हैं, विच इज योर सरप्लस गेन, जिसको विंडफॉल गेन आप कह सकते हैं, क्या ये 1,76,000 करोड़ जब आप बैंक में रिकैपिटलाइजेशन करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएमईज के लिए इंटरेस्ट घटाएं, या जो मिडिल क्लास इनकम है उसका कोई डायरेक्ट टैक्स कम करें ताकि इकोनॉमी में एक्टिविटी हो, रिवाइवल हो, कंजम्पशन बढ़े, जीएसटी बढ़ेगा, तो आपका जो पैसा ये वापस आ जाएगा। मेरे पास वक्त की कमी तो है, जो कहने का मतलब है कि थोड़ा इनोवेटिव निकालें, जो बात ये कह रहे हैं सर, मैं आज बहस इस बात को लेकर कर रही थी और सवाल मेरा सीधा सा था, जो विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपने लूट मचा रखी है, आप पूरे के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर रहे हैं, क्या ये सही है कि नहीं है? विजय जी, मुझे बस 10 सेकंड में आप ये बता दीजिए, जो पूर्व निदेशक आरबीआई के यहां बैठे वो यही बात कह रहे हैं कि अपना पैसा अगर हम ले रहे हैं तो परेशानी क्यों आनी चाहिए, और वो इसलिए ले रहे हैं कि जो गति धीमी पड़ी हुई है उसे तेज किया जाए। रूबिका जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मनी इज लाइक ए फायर, अगर आप उसको ढंग से मैनेज नहीं करेंगे वो आपको रोइन कर देगा, लेकिन अगर आप उस पैसे को ढंग से मैनेज करेंगे यू कैन क्रिएट फर्दर वेल्थ। इट डिपेंड्स अपॉन कि 1,76,000 जो करोड़ सरकार को मिला है उसका यूज कैसे करती है, आउटकम उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसका प्रोडक्टिव यूज है, इकोनॉमिक रिवाइवल में यूज है, इट इज ए वेलकम स्टेप, लेकिन अगर इसका फिर फ्रीबीज और पॉलिटिकल कंसीडरेशन पे यूज होगा, दिस इज सैड पार्ट ऑफ द कंट्री। सुधांशु जी, एक बहुत और इस पर हामी भरते हुए यहां पर विपिन मलिक भी नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है तहसीन आप भी इससे अग्री करेंगे, फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ये पैसा आपने लिया, इस पैसे का इस्तेमाल अब आप कैसे करते हैं, फिर ध्यान रखिएगा, जैसा विजय सरदाना यहां कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल गेन और माइलेज के लिए कि चलिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाए क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी।